हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रसीले दानेदार और स्वादिष्ट सूजी के हलवे की रेसिपी, जिसे हम अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन में अधिकतर अपने घरों में बनाकर तैयार करते हैं या जो मंदिरों में हमें भोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वैसे तो हलवा बनाना सभी को आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है, लेकिन आज मैं परफेक्ट माप के साथ आपके लिए सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आप पहली बार में ही एकदम रसीला दानेदार सूजी का हलवा बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए इस स्वादिष्ट सूजी के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर एक कटोरी सूजी। तो मैंने यहाँ पर ये बारीक वाली सूजी ली है जो हलवा बनाने के लिए आती है, ये देखिए। तो अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो आप उसी का इस्तेमाल हलवा बनाने के लिए कीजिएगा, और अगर मोटी सूजी है तो उसे एक से दो बार मिक्सी के जार में चला लीजिए ताकि वो थोड़ी सी बारीक हो जाए। तो यहाँ पर हलवा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है मेजरमेंट। तो इसके लिए आप कोई कटोरी, कप या गिलास सेट कर लीजिए और उसी से सारी चीज़ें नाप कर लीजिएगा, तभी आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा, जिस तरह से मंदिरों में बनता है भोग प्रसाद के लिए। तो इस सूजी को हम रख लेते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है, अब इस पतीले में डाल रही हूँ यहाँ पर मैं ये दो कटोरी दूध। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से हम सारी चीज़ें नापेंगे, और दो कटोरी पानी। तो एक कटोरी सूजी के लिए मैंने यहाँ पर दो कटोरी दूध और दो कटोरी पानी लिया है। तो आप चाहें तो इस हलवे को बनाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरा पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा दूध और आधा पानी लिया है, क्योंकि मैं इसी तरह से हलवा बनाती हूँ। इससे आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पतीली को मैंने गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर देते हैं। अब दूध में हम डालेंगे यहाँ पर थोड़े से ये केसर के धागे, तो अगर आपके पास केसर हो तो इसे ज़रूर डालिएगा, और अगर केसर नहीं है तो इसकी जगह पर आप थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ले सकते हैं, और चाहें तो बिना केसर या बिना फूड कलर के भी ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग व्रत में केसर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो अब मैंने ली है यहाँ पर एक कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है। इसे दूध में डाल देंगे और दूध में यहाँ पर एक उबाल आने का वेट करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं, और ये देखिए दूध में हमारा उबाल आ चुका है, तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हमें दूध को यहाँ पर गाढ़ा होने तक नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है कि हमारी चीनी दूध में अच्छे से घुल जाए। आप इसे पानी वाला दूध कह लीजिए या दूध वाला पानी कह लीजिए, बस इसे इतना ही पकाएंगे कि इसमें हमारी चीनी बस अच्छे से घुल जाए। तो चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और दूध को ढककर हम साइड में रख लेंगे और अपनी सूजी भून लेंगे। तो सूजी भूनने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। तो सूजी भूनने के लिए जब भी कढ़ाई लें तो यहाँ पर मोटे तले की कढ़ाई लें, जिससे हमारी सूजी जले ना। अब मैंने सूजी वाली कटोरी से ही यहाँ पर एक कटोरी घी लिया है, तो इसे कढ़ाई में डालेंगे। थोड़ा सा घी मैंने ये बचा लिया, ये देखिए, इसे रख लेंगे साइड में, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं और इन्हें इस तरह से बीच से दो टुकड़ों में काट लिया है। तो इन्हें हम घी में डाल देंगे और एक मिनट के लिए इन्हें घी में फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट के भी ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को फ्राई करके लेने से इनमें क्रंचीनेस आ जाता है, जिससे हलवे का टेस्ट बढ़ जाता है। तो काजू और बादाम को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे एक मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी किशमिश। तो एक चम्मच के मैंने करीब किशमिश ली है। किशमिश को बाद में डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती है। देखिए ये किशमिश हमारी फूल कर अंगूर बनने लगी है। तो बस अब इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। तो इन्हें मैंने इस तरह से एक छन्नी के ऊपर निकाल लिया है ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में ही निकल जाए, ये देखिए। तो हम इसी घी में डालेंगे यहाँ पर दो चम्मच बेसन। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम बेसन को यहाँ पर दो मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन डालने से सूजी के हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और सूजी का हलवा जो रखे रखे ड्राई हो जाता है तो बेसन डालने से वैसा भी नहीं रहेगा, वो एकदम बंधा हुआ रहेगा। तो बेसन को भूनने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और सूजी हमारी जल्दी भून जाती है, तो इसलिए मैंने बेसन को पहले डाल दिया और इसे दो मिनट पहले भून लेंगे ताकि बेसन हमारा अच्छे से भून जाए, और उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। एक बार मेरे बनाए हुए तरीके से आप हलवा बनाकर देखिएगा तो आप खुद ही जान जाएंगे कि हलवा कितना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और अब देखिए बेसन का यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया है, मैंने इसे पूरे दो मिनट तक यहाँ पर भून लिया है। बहुत अच्छी खुशबू बेसन से आ रही है। तो हम इसमें डालेंगे ये एक कटोरी सूजी।
गैस की फ्लेम को पूरी तरह से लो टू मीडियम पर रखेंगे और लो टू मीडियम पर लगातार चलाते हुए हम सूजी को यहाँ पर भूनेंगे तक सूजी हमारी अच्छे से भुन नहीं जाती है और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो हमें यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगेंगे सूजी को भूनने में। तो मैंने यहाँ पर हलवा बनाने के लिए 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी घी और सूजी का 4 गुना दूध या पानी वाला दूध कह लीजिए लिया है। तो क्योंकि जब हलवा हम घर पर बनाते हैं तो अंदाज से बनाते हैं जिससे हलवे का स्वाद हर बार अलग आता है, लेकिन जब आप इस तरह से नाप कर सारी चीज़ें लेंगे तो आप जितनी भी बार हलवा बनाएंगे तो हलवे का स्वाद एक ही जैसा आएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार हलवा बना रहे हैं, तब भी आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये देखिए सूजी को भूनते हुए मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और सूजी का कलर भी यहाँ पर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो सूजी को अभी हम थोड़ी देर और भूनेंगे और ये देखिए सूजी का कलर अब पहले से भी ज़्यादा डार्क हो चुका है। सूजी को भूनते हुए मुझे यहाँ पर 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। सूजी को भूनते समय एक ही बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और सूजी को आराम से भूनें जिससे आपकी सूजी अच्छे से भुनकर तैयार होगी। तो ये सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर जो हमने ये केसर के दूध वाला पानी बनाया है इसे हम सूजी में डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सूजी के छींटे आते हैं जब इसमें दूध डालते हैं क्योंकि काफ़ी गर्म है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। और अब हम बचा हुआ सारा ये दूध वाला पानी भी यहाँ पर हलवे में डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि हलवे में गांठ ना पड़े। सूजी का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, थोड़ी देर में हलवा देखिएगा गाढ़ा होने लगेगा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हुए थे इन्हें भी हम हलवे में डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हलवे को पकते हुए अभी 1 मिनट के करीब हुआ है और हलवा हमारा देखिए गाढ़ा सा होने लगा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोगों को हलवा जब थोड़ा सा ऐसा ढीला होता है तभी पसंद होता है, तो अगर आप ऐसा हलवा खाना पसंद करते हैं तो गैस को इसी समय ऑफ कर लीजिए या फिर इसे थोड़ी देर और पका लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने हलवे को थोड़ी देर और पका लिया है तो हम इसमें बचा हुआ घी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ऊपर से घी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन ऊपर से घी डालने से हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए ये सूजी का हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। हलवे ने यहाँ पर कढ़ाई को ये छोड़ दिया है। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि हलवा कितना ज़्यादा रसीला और दानेदार बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। तो अब गैस को ऑफ करते हैं और हलवे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारा एकदम गर्मा गर्म रसीला सॉफ्ट दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो इस बार अष्टमी नवमी में कन्या पूजन पर आप इस सूजी के हलवे की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।